हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, श्री ओम नमो नारायणा। मेरे प्यारे श्री हरि को मेरा नमस्कार, मेरा अभिनंदन। आज की जो मेरी साधना है वो साधना है कनकवती, ऐसी यक्षिणी की साधना जो आपको कनक सोना प्रदान करती है, साथ ही साथ आपको आभूषण प्रदान करती है, कपड़े प्रदान करती है और सब कुछ प्रदान करती है। देखिए, मैंने अपने क्रोध भैरव वाले अध्याय में आपको साफ साफ बताया था कि किस प्रकार से आपको क्रोध भैरव की साधना करनी चाहिए, सारा विधि विधान बताया है। बिना क्रोध भैरव के नाग कन्याएं यक्षिणी और अप्सरा की साधना कभी भी फलित नहीं होती है। अगर आप बिना क्रोध भैरव के इन साधनाओं को करते हैं तो आपको सिर्फ क्रोध भैरव के भी कोप का भाजन बनना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये जितने प्रकार की साधनाएं हैं सिर्फ और सिर्फ आपको कष्ट देंगी, फल तो बिल्कुल भी नहीं देंगी। मुझे कमेंट्स आते हैं कि कोई ऐसा तरीका बताइए जिसमें क्रोध भैरव का मंत्र करे बिना अप्सरा सध ली जाए, ऐसा कोई भी साधना नहीं है, यही उसका आंसर है। ठीक है, तो कृपया करके मुझसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए, इसीलिए मैं आपका रिप्लाई नहीं करता हूं। आपको पहले परमपिता परमेश्वर क्रोध भैरव को ही साधना पड़ेगा, क्योंकि साधना का मतलब होता है पहले अपने आप को साधना। अगर आपसे आप जल्दबाजी करते हैं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, और दूसरे अप्सराओं को साधने की अपेक्षा आपके पास क्रोध भैरव साक्षात परमपिता परमेश्वर को साधने का समय नहीं है, तो आप इन साधनाओं में मत आइए। आज हम बात कर रहे हैं यक्षिणी की, जो अलौकिक शक्तियों की एक ऐसी जाति है जो धन ऐश्वर्य और संपदा सभी कुछ दे सकती है। देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं कुबेर जी, ये भी यक्ष ही हैं एक, और यक्ष जाति की जितनी भी स्त्रियां होती हैं उनको यक्षिणी कहा जाता है। मैं इस साधना को आपको देने से पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि साधना में आपका एकांत स्थान होना बहुत जरूरी है। उत्सुकता बिल्कुल मत दिखाइए और चुपचाप से बिना किसी को बताए हुए तन मन धन से इसमें लगे रहिए। यह साधना माता बहन अथवा प्रिया के रूप में संपन्न की जा सकती है, और अगर आप किसी कारणवश इस साधना में असफल भी हो जाते हैं तो फिर से पुनः प्रयास करिए। साधना का समय जो होता है वो पूर्णिमा का होता है, और रात्रि में ही ये साधना की जाती है, यानी हमेशा 7 बजे के बाद। यक्षिणी बहुत सुंदर होती है, सौम्य होती है, सरल स्वभाव की होती है और अप्सराओं से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, और कम उम्र की नवयौवना जैसी रहती है, और इनके शरीर से एक बहुत अच्छी मनोहारी गंध आती है और किसी को भी सम्मोहित करने में पूर्ण समर्थ रहती है। एक बात आप जान लीजिए कि जो काम आपका अप्सरा नहीं कर सकती है वो यक्षिणी आराम से चुटकियों में कर सकती है। ये लोग स्वभाव से बहुत भोले होते हैं और साधक के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं, लेकिन ये कब समर्पित रहेंगे? जब आपने किसी को पहले से साध रखा हो, गुरु दक्षिणा ले रखी हो, गुरुमुख हो, और या फिर आपने क्रोध भैरव के मंत्रों को कर रखा हो, या आपने बहुत सारे लाखों मंत्रों का जाप कर रखा हो, किसी भी एक मंत्र का बहुत ज्यादा जाप कर रखा हो। साधक इसमें प्रेमिका या प्रिया के रूप में इसको सिद्ध कर सकता है। इसके साथ वह उसे निरंतर सुख देती हैं, ऐश्वर्य देती हैं, और मानसिक और शारीरिक तुष्टि पुष्टि भी प्रदान करती है। इन यक्षिणियों की जो साधना होती है उनमें आवाहन होता है, विसर्जन होता है, हृदय होता है, मुद्रा होती है, और पुष्प जो होते हैं वो अर्पण होते हैं। देखिए, एक बात हमेशा स्मरण रहे कि प्रत्येक यक्षिणी केवल एक ही विशिष्टता करती है, वो होती है उससे रिलेटेड उसकी सिद्धि। कोई आपको सुंदरता दे सकती है, कोई आपको पैसे दे सकती है, कोई आपको बच्चे प्रदान कर सकती है, लेकिन ये यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि लक्ष्मी प्रदान करने वाली यक्षिणी संतान प्राप्ति नहीं करा सकती है, और शत्रुओं का नाश करने वाली यक्षिणी वशीकरण
नहीं करा सकती है। इसलिए साधक को खुद ही ये निर्णय लेना होगा कि उसे किस यक्षिणी की साधना करनी चाहिए। अगर आप मातृभाव से इसकी साधना करते हैं तो वो आपको धन देगी, पैसा देगी और पुत्र के समान पालन भी करेगी। अगर आप बहन के रूप में पूछते हैं तो वो उसे दिव्य वस्तुएं प्रदान करती है तथा उसका विवाह उत्तम कन्या से कराती है। जबकि प्रेमिका यानी पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में सिद्ध होने पर यह साधक को समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करती है, परंतु प्रिया के रूप में रखने पर साधक को अपनी स्त्री के अतिरिक्त यानी अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ संसर्ग करना पूर्णतः वर्जित है। अगर आपने ऐसा किया तो आप देखेंगे कि आपकी स्त्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी। तो ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं अपनी इस साधना के रूप में। कनकवती जो यक्षिणी है, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें मछली और मांस, मछली ले लीजिए थोड़ा सा और थोड़ा सा मांस ले लीजिए और बरगद के पेड़ के नीचे जाएं और उसके बाद कनकवती जो है उसको भोग के लिए आमंत्रण करें, आमंत्रण दें। आपको चढ़ाना है, चाहे पका के लेके जाएं, कच्चा लेके जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद चढ़ाने के बाद उसी ही भोग का आप आहार करें। घर में जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बेस्ट है, जो नहीं खाते हैं उनके लिए साधना नहीं है। कृपया करके मुझसे ऐसा क्वेश्चन मत पूछें कि अगर हम ये नहीं चला सकते हैं तो इसका अपोजिट क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। हर चीज का एक सब्स्टिट्यूट एक नहीं हो सकता है, ऑप्शन नहीं है किसी हर चीज का। तो मछली और मांस चढ़ेगा। अब 7 दिन तक प्रत्येक रात्रि में, 1000 मंत्र का जाप करें आप, 1000 मंत्र, ठीक है। 7वें दिन जो होता है अर्धरात्रि में आपको यक्षिणी के दर्शन हो जाएंगे। अब बिंब रूप में हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन दर्शन होंगे। उसके बाद आपको यक्षिणी जो होती है प्रसन्न होकर अपने परिवार के साथ आएगी, 108 परिवार जो होते हैं उनके साथ आती है, और साधक को 12 प्रकार के कपड़े, आभूषण और खाने का जो पदार्थ होता है उसे प्रदान करती है और साथ ही साथ 7 से 8 स्वर्ण मुद्राएं भी देती हैं। और जब ये साधक की पत्नी बन जाती है तो आपको हर प्रकार से तुष्टि पुष्टि, यानी आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सब प्रदान करती है। और इसका एक दूसरा विधि विधान ये भी है कि आप किसी निर्जन स्थान पर जाइए, एकांत स्थान में जाइए, वहां पर नंगे होकर, बिल्कुल एकदम बिल्कुल नंगे निर्वस्त्र होकर 1000 जप प्रारंभ करिए। और ये जो जप हैं ये आपके 21 दिन तक चलेंगे, यानी 1 में 7 दिन और 1 में 21 दिन। तो आप देखेंगे कि 21वें दिन आपके सामने कनकवती यक्षिणी प्रकट हो जाएगी और साधक को मनवांछित वर देगी। सेम प्रक्रिया है, शाम का ही समय है, लेकिन यहाँ जो निर्जन स्थान है, ये निर्जन स्थान आपको ढूंढना होगा, चाहे वो जंगल में देख लें, कहीं पर भी जहां कोई आता जाता नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जब तक आपके ये 1000 मंत्र चल रहे हो। अब जो मंत्र है वो है ओम कनकवती मैथुन प्रिय होम स्वाहा, ओम कनकवती मैथुन प्रिय होम साधवा। देखिए थोड़ी सी ये जो साधना है ये थोड़ी सी तंत्र क्रिया की है, तो इसमें से एक बात आपको यहाँ पे जानना होगा कि जब कनकवती यक्षिणी आएगी तो उसके तरफ से चारों तरफ से आपको बदबू आएगी, क्योंकि इसीलिए इसमें आपको देखेंगे आपको मछलियां और वो सब चीजें मिल रही हैं, तो बदबू आएगी। यह जो यक्षिणी होती है गले में हड्डियों की माला धारण करी हुई होती है, और अगर आप इसका सम्मान नहीं करते हैं, पहचानने में भूल करते, उटपटांग कुछ करते हैं, या आप डर जाते हैं, या कुछ भी होता है, कुछ भी किंतु परंतु बट होता है ना, और बिना अनचाहे में कौतूहल वश कि हाँ मुझे ये साधना करनी है, लाओ मैं आजमा के देखता हूँ, ऐसा करते हैं तो ये आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, आप पागल भी हो सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा उल्टा सीधा किया तो उसके बाद यह यक्षिणी आपको वृद्ध जो बुढ़िया होती है उसके रूप में दर्शन देगी और आपकी सारी शक्तियों को छीन कर लेगी, खून भी आपका चूस लेगी
और आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। तो याद रहे, इस साधना में डरना नहीं है। जिनका हृदय स्ट्रांग है, ठोस है, जिन्होंने पहले से सब कुछ साधा हुआ है, वही लोग करें, अन्यथा मत करें। किसी भी ऐसी चीज को जो नहीं किया हो उसको यूं ही नहीं उठाना चाहिए, तो आप भी ऐसी गलती मत करें। तो इन तीन क्रियाओं से आप कर सकते हैं। उसके बाद जब ये प्रयोग आपको हो जाए, आपको दर्शन दे जाए, और नहीं देती है तो फिर से करिए। जब दे देती है तभी आपको कन्याओं को भोग लगाना है। और दिन मैंने बता दिया आपको, पूर्णिमा हो, और कपड़े का ऐसा कोई भी इसमें विधि विधान नहीं है। कपड़ा आप चाहे कोई भी पहने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आसन चाहे कोई भी हो उसमें भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो साधना है एक तो बरगद के पेड़ पे होगी और दूसरी एकांत निर्जन स्थान पे होगी। एक साधना आपकी 7 दिन की है और एक आपकी 21 दिन की है, और मंत्र सेम रहेगा, माला सेम ही रहेगी, 1000 मंत्र रहेंगे। आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप तरक्की करें, आपको मनवांछित फल मिले, यही मेरी कामना है। हरिओम नमो नारायण, जय श्री राम, राधे राधे।